भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और इंदौर के क्षेत्र 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और फिर उनकी गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि सरकार युवाओं की आवाज नहीं दबा सकती, जो वादा किया है उसे पूरा करें, नहीं तो हम युवा इस सरकार को चलने नहीं देंगे। विधायक विजयवर्गीय ने वीडियो में कहा कि विधानसभा से बाहर आया तो पता चला कि गुरुवार को सरकार की वादा खिलाफी को लेकर विरोध कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन किया और फिर लाठी भी भांजी और फिर जेल में डाल दिया। ओम नमः शिवाय। मित्रों, अभी अभी मैं विधानसभा से बाहर निकला हूं और मुझे जानकारी लगी है कि कमलनाथ सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बहुत ही बर्बरता से लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन्स चलाए और उन्हें जेल में डाल दिया। मित्रों, हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जब चुनाव मैदान में उतरी थी तो उन्होंने वादा किया था कि युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे और इसी के साथ साथ एक सहायता राशि भी प्रोवाइड करेंगे अपने काम धंधे जमाने के लिए। इसमें से कोई भी कार्य सरकार ने नहीं किया है। विधानसभा में मैं स्वयं इस मुद्दे को उठा चुका हूं, कई सारे विधायक इस बात को सामने ला चुके हैं, उन्हें लिखित में जवाब आया है कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है ये कार्य करने का। मित्रों, इसके विरोध में जब आज युवा मोर्चा के साथी सड़कों पर उतरे तो उनके साथ बर्बरता से पेश आया गया सरकार के द्वारा, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। युवा मोर्चा के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूं इस संघर्ष के लिए, वो जनता के साथ में मुश्तैदी के साथ खड़े हैं, जनता के लिए आवाज उठा रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं और इस वीडियो के माध्यम से कमलनाथ जी और उनकी सरकार को चेतावनी देता हूं कि इतिहास गवाह है कि जब जब युवा खड़ा हुआ है वो आगे बढ़ा है, वो जीता है। और युवाओं पे यदि आपने हमले किए, युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास किया, युवाओं पे अत्याचार किया, तो ना आप टिकेंगे कमलनाथ जी, ना आपकी सरकार। ध्यान रहे कमलनाथ जी, आपने जो वादा किया है उसको पूरा करें, वरना ये सरकार हम युवा नहीं चलने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हम सब जानते हैं कि चुनाव के समय कांग्रेस ने युवाओं, किसानों और जनता से कई वादे किए थे। इन वादों के बाद भी वह सत्ता में आई है। कांग्रेस ने युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही रोजगार खोलने के लिए सहायता राशि देने का वादा किया था। विधानसभा में मैंने सवाल किया तो जवाब मिला कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। युवा मोर्चा के साथ ही इसके खिलाफ उतरे तो उन्हें लाठियां मारी गई। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से कमलनाथ सरकार को चेतावनी देता हूं कि युवाओं की आवाज दबाने का प्रयास किया तो आप और आपकी सरकार टिकने वाली नहीं है। आपने जो वादा किया है उसे पूरा करें, नहीं तो हम यह सरकार नहीं चलने देंगे।